अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीए कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि आपने किस तरह से दराज सेलर अकाउंट के लिए वाउचर क्रिएट करना है। बार दफ़ा ऐसे होता है कि आप किसी भी लिस्टिंग की प्राइस कम करना नहीं चाह रहे होते, तो उसके ऊपर आप डिस्काउंट देना चाह रहे थे, तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि आप उसके ऊपर वाउचर लगा दें। वो वाउचर ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। वो वाउचर आप पूरी शॉप पर भी लगा सकते हैं और वो वाले वाउचर आप स्पेसिफिक SKU या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे भी लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। तो आपके सामने दराज सेलर सेंटर ओपन है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आना है। ऑप्शन हमारे पास तो प्रमोशन का टैब होता है, यहाँ पर सेलर पिक्स पे टैब पर आके आपने इसको एक्सप्लोर करना है कि आप यहाँ से वाउचर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और ये किस तरह से शो होगा। आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इस टाइम वाउचर एक्टिवेट है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस टाइम कौन कौन से वाउचर आपकी शॉप के ऊपर लाइव है। ठीक है, तो ये देखिए मोबाइल वर्जन, ये PC वर्जन आ गया, तो अब यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस टाइम कोई भी नहीं है तकरीबन, तो यहाँ पे हम बैग आ जाते हैं, हम फिर वाउचर क्रिएट करेंगे। वाउचर क्रिएट करने के बाद फिर हम लोगों ने चेक करना है कि यहाँ ये वाले वाउचर कहाँ पे शो होते हैं। तो यहाँ से ऐड न्यू वाउचर पे क्लिक करोगे, एड न्यू वाउचर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस वाउचर का नाम दोगे कि इस वाउचर का क्या नाम रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रखना चाहता हूँ कोई भी रख लो, ठीक है, 20% ऑफ जितना भी करना चाहना कर लो आप। वाउचर 1 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है रिडीम स्टार्ट डेट, वो कह रहा है कि ये कब से मतलब लागू हो, कब से स्टार्ट हो रिडीम होना, मतलब कि कस्टमर कब तक, कस्टमर के लिए कब तक ये यूजेबल हो जाए। तो यहाँ से डेट सेलेक्ट करोगे आप, मैं कहता हूँ कि कल से स्टार्ट हो जाए 12 से, ठीक है। तो कलेक्ट एंड रिडीम एंड डेट, ठीक है, एंड डेट आपने सेलेक्ट करनी है। मैं कहता हूँ कि ये 10 दिन के लिए रहे, ठीक है। 12 यहाँ से मैंने कर दिया 22। उसके बाद वाउचर टाइप, ठीक है, कलेक्टेबल या वाउचर कोड। अच्छा, कलेक्टेबल वाउचर वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी कस्टमर आएगा आपके स्टोर के ऊपर, तो कोई भी वो प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा तो खुद ब खुद कलेक्टेबल होके वो जो चीज़ टोटल होगा उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। वाउचर कोड ये होगा कि आप स्पेसिफिक वाउचर कोड लगाओगे, ठीक है, उसको वाउचर कोड दे दोगे, ये आपका कोड है, आप ये चीज़ बाय करो, बाय करके आप ये वाउचर ऐड करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कलेक्टेबल के लिए आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। आप यहाँ से रेगुलर चैनल भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी बना सकते हो, स्टोर फॉलोअर के भी बना सकते हो, लाइव स्ट्रीम के लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं कह देता हूँ रेगुलर चैनल, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि स्टार्ट डेट भी 12 ही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट टाइप आ रहा है, डिस्काउंट टाइप आप परसेंटेज वैल्यू वाउचर आ रहा, दूसरा आ रहा मनी वैल्यू वाउचर। परसेंटेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल ऐसा करोगे कि आपने शॉपिंग किया उसके ऊपर 10% है, ठीक है। मनी वैल्यू वाउचर वो होता है कि आप 200 रुपये की शॉपिंग करो आपको 50 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो मनी वैल्यू वो जो डिस्काउंट वैल्यू ऑफ, ठीक है, 50 रुपीज़ कर दी, ठीक है। तो कितने रुपए का ऑर्डर हो, ठीक है, मिनिमम ऑर्डर मैं कहता हूँ 100 का। तो मैं क्या यूजेज लिमिट पर कस्टमर, एक कस्टमर कितनी दफ़ा इसको इस्तेमाल कर सके, 2 टाइम्स, ठीक है। कितने वाउचर बनाना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं 20 वाउचर बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, अप्लाई टू शॉप, अप्लाई टू सेलर SKU। सेलर SKU होता है कि आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर शॉप पे क्लिक करोगे तो पूरी शॉप के ऊपर डिस्काउंट लग जाएगा। अगर आप पूरी शॉप के ऊपर देना चाहें तो पूरी शॉप सेलेक्ट कर लोगे, वरना सेलर SKU की स्पेसिफिक प्रोडक्ट के। ये देखें, यहाँ से सेलर SKU, यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर लो जो आपके इस टाइम स्टोर के ऊपर है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने डिस्काउंट देना है। तो उसके बाद यहाँ से इसको मैं शॉप कर देता हूँ, इसको सबमिट कर लो। ये देखें कह रहा स्टार्ट कलर शुड बी लेटर देन नो, स्टार्ट डेट कहाँ पर आ रही है, स्टार्ट कलेक्ट डेट शुड बी अच्छा जी, यहाँ पे ये मसला कर रहा थोड़ा सा 12। अच्छा जी, एंड डेट हम लगा देते हैं यहाँ पे
तीस, यहाँ पे भी 12, ठीक है 12 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास वाउचर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। रेगुलर चैनल अप्लाई टू शॉप, ठीक है। ये इसका टाइम है, ठीक है। ये वाउचर नेम है, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप किसी का शेयर करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ से कॉपी करो, उस बंदे को शेयर कर दो। दूसरा ये होता है कि अगर आप वेब स्पेसिफिक कोड के साथ बनाना चाह रहे हैं, वो यहाँ से क्रिएट होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कस्टमर का रिटर्न आया या किसी कस्टमर की कोई भी कंप्लेन है, आप उसको वाउचर देना चाह रहे हैं, तो आप वाउचर कोड क्रिएट करोगे, ना कि दूसरा कलेक्टेबल करोगे। वाउचर कोड करने से ये होगा कि आप उसको मैक्सिमम ओबलाइज कर सकते हैं।